बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं साथ महनूर फातिमा। आज हमारा टॉपिक है एसिड बेस इम्बैलेंस फार्माकोलॉजी में। लास्ट टाइम हमने फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ा था? होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस। वहाँ पे हमने फ्लूड को पढ़ा था कि हमारे अंदर जो पानी है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो कैसे बैलेंस और इम्बैलेंस होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में एसिड बेस जो है वो कैसे बैलेंस होता है, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, अगर वो मेंटेन ना रहे तो क्या क्या होता है। ये आप सबको पता है कि जब एसिड की बात आती है तो मतलब प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, जब बेस होगी तो प्रोटॉन कम हो जाते हैं। हमारी बॉडी में एसिड बेस आता है ना कहीं से, लेमन है उसमें एसिड होता है, एप्पल है उसमें एसिड होता है, तो वो एसिड अब बॉडी में एडजस्ट भी तो करने हैं, तो उसको एडजस्ट करने को, उसको बैलेंस करने को हम एसिड बेस बैलेंस कहते हैं। लेकिन जब वो मेंटेन नहीं रहता तो उसे हम इम्बैलेंस कहते हैं। अब वो बैलेंस मेंटेन कैसे होता है? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि फ्लूड बैलेंस कैसे होता है, होम्योस्टेसिस से। ये बैलेंस कैसे होते हैं? बफेट सिस्टम से। हमारे अंदर एक सिस्टम है जो एसिड बेस को कंट्रोल में रखता है। कैसे कंट्रोल में रखता है? केमिकल के थ्रू रखता है, हमारे जो है लंग्स के थ्रू रखता है, क्योंकि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब प्रोटॉन मिक्स होंगे तो बाइकार्ब्स बनेंगे, मतलब एसिडिक नेचर आ गई, तो वो हमारी हेल्प करते हैं। हमारी किडनीज जो हैं वो बाइकार्ब रिलीज करती हैं, तो जब वो इम्बैलेंस होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी एसिड बेस बैलेंस होगा। तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी एसिड बेस की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ने हमारे लंग्स और किडनी को ये काम दे दिया, हमारे ब्लड को ये काम दे दिया कि आप तीनों का ये काम है कि इंसान के अंदर एसिड और बेस को बैलेंस करके रखना है। लेकिन जब ये बैलेंस नहीं रहते तो हम उसे क्या क्या बोलते हैं, जो आपने क्लिनिकल में मोस्ट कॉमन टर्म सुनी होगी, क्या क्या सुना आपने? एल्किलोसिस एंड एसिडोसिस, बहुत कॉमनली सुना ना, आईसीयू के पेशेंट्स में होता है, वेंट के पेशेंट में होता है, जो इनके जो लंग डिजीज हो उनमें होता है, जो किडनी डिजीज के पेशेंट्स हों उनमें होता है। तो अब वो उसमें भी देखें, मैंने अभी लंग्स बोला और किडनी बोला, तो एल्किलोसिस और एसिडोसिस भी तो वैसे ही डिवाइड होंगे ना। लंग्स वाले को हम कहेंगे रिस्पायरेटरी एल्किलोसिस एंड एसिडोसिस, और किडनी वाले को हम कहेंगे रीनल एसिडोसिस एंड एल्किलोसिस। तो अब हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? एट द एंड ऑफ दिस यूनिट ईच स्टूडेंट विल बी एबल टू, आप सब लोगों को क्या पता चलेगा, बफर सिस्टम क्या है, रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म कैसे होता है हमारे अंदर, और रीनल मैकेनिज्म कैसे काम करता है। और बफर में हमारे फॉस्फेट, बफर मतलब केमिकल के लेवल पे, केमिकल में फॉस्फेट आयन कैसे काम करते हैं, हमारे आरबीसीज कैसे काम करते हैं, और हमारे कार्बोनेट जो है कार्बोनेशन कैसे होती है। फिर आपने अभी मैंने आपको बताया कि एल्किलोसिस एसिडोसिस है, तो उसकी टाइप्स क्या होंगी? अगर लंग्स की है तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस एल्किलोसिस, और अगर किडनी उसमें इन्वॉल्व है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। और इसको जानने के लिए आप हॉस्पिटल में एक रिपोर्ट करवाते हो, कौन सी? जो आप पल्स से सैंपल लेते हो, ABGs, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। आप उन आर्टीरियल ब्लड गैसेस में चेक करते हो कि क्या है, CO2 कितना है, प्रोटॉन्स कितने हैं, बाइकार्ब्स कितने हैं, pH कितनी है। तो अब हम उसमें इंटरप्रेट करना पड़ेंगे कि कब हम कहेंगे एसिडोसिस में जा रहा है, कब हम कहेंगे एल्किलोसिस में जा रहा है, ठीक है। और फिर हम उसके एल्किलोसिस और एसिडोसिस जो है, इफ़ देर इज़ समथिंग इम्बैलेंस लाइक एसिडोसिस और एल्किलोसिस, दैन देर मस्ट बी सम रीजन्स और देर मस्ट बी सम साइन सिम्टम्स। तो हम एट द एंड वो पढ़ेंगे कि इनके साइन सिम्टम क्या हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये होता क्यों है। आपको ये साइड पे एक डायग्राम नज़र आ रही है, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप पढ़ने क्या लगे हो, समझेंगे हम बाद में। एसिडोसिस मीन्स ए जो उसके एच है वो ज़्यादा हो रहा है, जो एल्किलोसिस मीन्स कि उसके जो हाइड्रोजन आयन्स हैं वो कम हो रहे हैं। जब हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा हो तो आपकी pH कम होने लग जाती है, मतलब एसिडिक नेचर में आने लग जाती है, और जब एच आयन्स बहुत कम हो तो आपकी जो pH है वो बढ़ने लग जाती है, जिसे हम एल्किलोसिस का नाम देते हैं। और ये अकॉर्डिंगली कि अगर आपका रिस्पायरेटरी इन्वॉल्व है तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होगी, अगर आपका बाइकार्ब इन्वॉल्व है तो आपकी बाइकार्बोनेट आयन्स इन्वॉल्व होंगे। तो अब हम चलते हैं आगे बफर सिस्टम की तरफ के बफर सिस्टम होता क्या है।
बफर सिस्टम वो सिस्टम है जो आपके एसिड और बेस को मेंटेन रखता है। अब वो एसिड और बेस को कैसे मेंटेन रखता है, इन तीन मैकेनिज्म्स के थ्रू, या तो रिस्पायरेटरी इन्वॉल्वमेंट कराएगा, या न्यूरल इन्वॉल्वमेंट करवाएगा, या केमिकल इन्वॉल्वमेंट कराएगा। सबसे पहले हमारी बॉडी में, जैसे हम काम करते हैं आसान से मुश्किल की तरफ, इसी तरह हमारी बॉडी भी काम करती है आसान से मुश्किल की तरफ। पहले वो केमिकल सिस्टम को देखती है, अगर केमिकल के कंट्रोल में है, आरबीसी कंट्रोल कर सकते हैं इसको, तो वो अपने कंट्रोल में सब कुछ माइनर चेंजेस को ठीक कर देता है रूटीन लाइफ में। लेकिन अगर वो उसके कंट्रोल में नहीं है तो वो रिस्पायरेटरी की तरफ जाता है, माइल्ड टू मॉडरेट में। लेकिन अगर वो मॉडरेट से बढ़ गया है, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो फिर रेनल, किडनी से, गुर्दों से हेल्प लेता है कि अब मैकेनिज्म मुझसे मेंटेन नहीं हो रहा, तो काइंडली अब आप अपना काम स्टार्ट कर दें। तो केमिकल बफर में क्या है, ऑन द सीन इन सेकेंड्स, मतलब कि बहुत माइनर चेंजेस ऑलवेज या ऑलरेडी प्रेजेंट इन टिश्यू एंड विल हैंडल माइनर चेंजेस इन द एसिड बेस बैलेंस। के माइनर चेंजेस जैसे थोड़ी बहुत आ गया तो ठीक है, थोड़ी सी एच पी, जो पी एच, पी एच डाउन अप डाउन हो गया तो उसको मैनेज कर देगा। बट इफ देयर इज रिटेंशन और एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पेशेंट रिस्पायरेटरी इशू के साथ है, उसको एम्पाइसीमा है, काफ़ी अर्से से लंग डिजीज चल रही है, तो वो माइनर कंपनसेशन नहीं होगी, तो उसके लिए रिस्पायरेटरी कंपनसेशन स्टार्ट होगी माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में। इसी तरह जब आपकी जो मैनेजमेंट है, जो आपकी चीज़ें कंपनसेशन है, वो बाइकार्ब्स को इन्वॉल्व कर देंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ हाइड्रोजन को भी जोड़ने लग जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास बाइकार्ब्स बनने लग जाएंगे। तो जब ये बनने लग गया तो मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा आ गया, तो वो क्या करेगा, अपने साथ किडनी को इन्वॉल्व करेगा कि वो किसी ना किसी तरीके से बाइकार्ब्स को निकाली जाए, और ऑटोमेटिकली जो है वो एक कंपनसेशन मैकेनिज्म एक्टिवेट होके इंसान को ज़्यादा नुकसान से बचाए, जो कि व्हेन बाई रेगुलेट बाइकार्ब टू कम्बैट हाइड्रोजन लॉसेस एंड गेन स्टार्ट इन आवर्स बट मोर परमानेंट। इट्स टेम्परेरी बट इट्स मोर परमानेंट वेन द अदर टू मैकेनिज्म फेल। जब केमिकल और रिस्पायरेटरी काम नहीं कर पाते तो तब रीनल आता है स्टेप बाय स्टेप। द रीनल सिस्टम स्लोली गेट्स टू वर्क एंड रिक्वायर अप टू 5 days टू कम्प्लीट। इसको कम से कम 5 days लगते हैं अपना मैकेनिज्म को मैनेज करने में, मेंटेन करने में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये एसिड बेस बैलेंस कैसे रेगुलेट होता है, ये आपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि पीएच क्या है, हाइड्रोजन आयन क्या है, बॉन्डिंग क्या है, तो हम यहाँ पे इसे सिंपल सा देखेंगे। द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस इज कंसर्निंग द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द केमिकल एसिड्स एंड बेस। एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे, उसमें वो अपने एक लेवल पे रहेंगे दोनों मैनेज होके, तो ऑटोमेटिकली पीएच मेंटेन रहेगी, मतलब ना ज़्यादा एच आयन्स अब्जॉर्ब होंगे ना ही ज़्यादा वो लॉस होंगे। ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे तो एसिडिक हो जाएगा, ज़्यादा लॉस होंगे तो बेसिक। तो जब ये दोनों मैनेज होकर रहते हैं तो उसे हम कहते हैं बॉडी पीएच इज एट रेगुलेटिव लेवल। द बॉडी इज वेरी सेंसिटिव टू इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर पीएच लेवल, अदरवाइज आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ पीएच। अगर पीएच उसके रेंज में नहीं है, प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड एंड डाइजेस्टेड। पीएच बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी में केमिकल नेचर्स को, हमारी बॉडी की सेक्रीशंस को, हमारी बॉडी के हार्मोन्स को, हमारी बॉडी के एंजाइम्स को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। तो इसलिए ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लड इस चीज़ का खुद ही ख्याल रखता है, मतलब जो हमने सबसे पहले पढ़ा कि केमिकल लेवल पे वो खुद ही ठीक रखता है इन चीज़ों के, ताकि हमारे प्रोटीन्स, हमारे एंजाइम्स डीनेचर ना हो, लॉस ना हो, और हमारी हेल्दी एक्टिविटी चलती रहे, क्योंकि हेल्दी नहीं होगा, फंक्शन एबिलिटी नॉर्मल नहीं होगी, डेथ में अकर। अब इस तरह उन्होंने एक नॉर्मल रेंज बताई कि पीएच की नॉर्मल रेंज क्या है। बफर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो पीएच की नॉर्मल रेंज है वो 7.35 to 4.5 है। 3.5 से कम है तो पीएच उसकी हाई हो जाएगी, अगर 7.45 से ज़्यादा है तो उसकी पीएच वो और तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके लिए नर्सिस को जाना क्यों ज़रूरी है, नर्सिस के लिए पीएच जाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब पीएच डिस्टर्ब होगी ऑटोमेटिकली उसके लंग्स और जो मैंने अभी बताया किडनी डिस्टर्ब होंगी, जब लंग्स किडनी डिस्टर्ब होंगी तो ऑटोमेटिकली साइन सिम्टम्स आएंगे, जिसमें पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करेगा, शैलो ब्रीदिंग करेगा, और पेशेंट इस तरह के साइंस देगा जो उसको कोलैप्स की तरफ या डेथ की तरफ ले जाते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस इज बेसिकली ICF और ECF। अभी हमने पढ़ा ECF इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने पीछे भी पढ़ा कि ECF में ही ज़्यादा मैनेजमेंट होती है, ICF में कम। तो ICF में मैंने आपको भी कल वाले लेक्चर में बताया था कि ICF में क्या होता है, आपके पास पोटाशियम पड़ा होता है, फॉस्फेट पड़ा होता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने वही चीज़ की कि जब इंटरसेलुलर की बात होगी तो फॉस्फेट
बफर सिस्टम होगा। द फॉस्फेट बफर सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट बफर ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर का इम्पॉर्टेंट आयन है। द कंसेंट्रेशन ऑफ डाइसोडियम फॉस्फेट इज 4 टाइम हायर देन द मोनो। ठीक है ना, एक सिंगल यूनिट होगा, एक एक बंदा एक काम कर रहा होगा और दो कर रहे होंगे, तो जल्दी कौन सा होगा, दो वाला ना। तो इसी तरह जो डाई वाला होगा उसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी निस्बतन मोनो के, और वो ज़्यादा जल्दी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। हीमोग्लोबिन इस तरह पेरिफेरल सिस्टम में आ जाता है कि आपकी जो है पेरिफेरल सिस्टम में एक्स्ट्रा सेलुलर में हीमोग्लोबिन आरबीसीज अपने लेवल पे काम करती हैं। कैसे, वो हाइड्रोजन आयन के साथ बाउंड कर लेती हैं, अपने आप को जोड़ लेती हैं, और फिर जोड़ के अब पीएच को कहती हैं कि ठीक है अब तुम मेरे अकॉर्डिंगली नॉर्मल हो। अगर नहीं नॉर्मल होते वैन द ब्लड इज पीएच नहीं नॉर्मल होता, वो इसके अकॉर्डिंग या तो अपने आप को रिलीज कर लेती हैं, अपने आप को एकोमोलेट कर लेती हैं। हीमोग्लोबिन बाइंड्स हाइड्रोजन आयन वैन द ब्लड पीएच इज टू लो एंड रिलीज देम इन टू हाई। कि अगर नॉर्मल है तो ठीक है चलता जाएगा, अगर नहीं है तो अकॉर्डिंगली या तो अपने आप को बाउंड कर लेगी या उसको रिलीज कर देगी। उसके बाद एंड पे आता है लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्ब कब बनेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ हाइड्रोजन आयन इसको जोड़ने लग जाएगी कि ठीक है अब हाइड्रोजन आयन कंट्रोल में नहीं आ रहे तो मैं अपने साथ इसको जोड़ देता हूँ, और ताकि चीज़ें कंट्रोल में आ जाए। द मेजर बफर सिस्टम इन द ECF इज द कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट द 80% ऑफ एक्स्ट्रा सेलर बफरिंग। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ECF बफर फॉर मेटाबॉलिक एसिड, बट इट कैन नॉट बफर रिस्पायरेटरी। ये सिर्फ ECF के लेवल पे उतना काम करेगा जब तक ये रिस्पायरेटरी में नहीं आता, लेकिन जब ये अपने रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म में एक्टिवेट होगा तो इसकी स्ट्रेंथ और इसकी एक्टिविटी और ही होगी, उसकी जो कहते हैं ना उसकी ताकत ही और होगी अगर वो अपने एरिया में होगा, तो वो चीज़ है। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने रिस्पायरेटरी पे। सबसे पहले हमारा केमिकल था वो हमने पढ़ लिया, उसके बाद रिस्पायरेटरी। अब रिस्पायरेटरी को हम सेकेंड लाइन कहते हैं, हमारा फर्स्ट लाइन है रिस्पायरेटरी, सेकेंड लाइन है। ये कैसे कंपनसेट करता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक ज़्यादा रिलीज होगी, वो वाटर के साथ अटैच होगी, वो अपने आप को कार्बोनिक एसिड बनाना शुरू करेगी, फिर उसमें से एच आयंस अकॉर्डिंगली रिलीज होंगे और वो बाइकार्ब बन के बाइकार्ब किडनी की तरफ चला जाएगा, और जो है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड वो लीवर लंग्स की तरफ जाएगी, वो लंग्स के थ्रू निकल जाएगी और बाइकार्ब्स किडनी के थ्रू यूरिन से निकल जाएंगे। रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म इज सेकेंड लाइन डिफेंसिव मैकेनिज्म। इट इज अचीव बाय रेगुलेटिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। कैसे रेगुलेट करते हैं, बाय द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने आपको अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। कैसे, बाय द लंग्स, लंग्स के थ्रू। द लंग्स फंक्शन बाय मेंटेनिंग वन कंपोनेंट ऑफ बाइकार्ब बफर। के लंग्स कैसे काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करके। द पल्मोनरी सिस्टम एडजस्ट पीएच यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है ना हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बैठते हैं, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जब हम रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। अपॉन एक्सपायरेशन, जब हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सपायरेशन में निकालते हैं ना इंस्पायर, तो हम ऑक्सीजन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोजेक्टेड इन टू द एनवायरमेंट, बाहर इन्वायरमेंट में निकालते हैं ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग। लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती नहीं, हमारे अंदर जमा होने लग जाती है, तो क्या करती है, वो पानी के साथ रिएक्ट करती है, जैसे यहाँ पे कर रही है, और अपने आप को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन वो कार्बोनिक एसिड हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, तो वो क्या करता है, वो फिर किडनी से हेल्प आउट लेके बाइकार्ब सिंगल कार्बोनिक एसिड को बाइकार्ब्स में कन्वर्ट करता है और रिलीज करना शुरू कर देता है, और दोबारा बॉडी जो होती है नॉर्मल कंडीशन की तरफ आने लग जाती है। अब रीनल कैसे काम करती है, रीनल का उन्होंने एक मैकेनिज्म बताया कि रीनल हमारे पूरे दिन में 80 मिली इक्विलेंट्स तक जो है वो प्रोड्यूस होता है। द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर रिमूवल ऑफ दीज एसिड इज रीनल एक्सक्रीशन। अब रीनल एक्सक्रीशन कहाँ पे होती है, नेफ्रोन में होती है। नेफ्रोन की अगर मजीद स्ट्रक्चर देखो तो वहाँ पे लूपोफेनल होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में बेसिकली ये काम होता है, वो क्या करता है, वो रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है बाइकार्ब्स को अपने अंदर, और एच को सिक्रेट करना शुरू कर देता है। कैसे, द किडनी हैव टू मेन वेज। अब हम पढ़ेंगे कैसे, देयर सेल रीअब्जॉर्ब बाइकार्ब्स फ्रॉम द यूरिन बैक टू द ब्लड। मतलब जब एंड पे जाके दोबारा प्रोक्सिमल और उसमें करना है हमारे पास लूपोफेनल्स में रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो बाइकार्ब्स को रीअब्जॉर्ब करना शुरू करता है इन कंडीशन ऑफ डीकम्पनसेशन के। मतलब कि वो डिकम्पोज हो रहा है, जो अंदर एक नॉर्मल मैकेनिज्म वो एक्टिवेट नहीं है। नॉर्मली तो वो अपने हिसाब से निकालता जाएगा, लेकिन जब पेशेंट एल्कलोसिस की तरफ, एसिडोसिस की तरफ जाएगा, फिर ये वाला सिस्टम एक्टिवेट होगा कि वो बाइकार्ब्स को रीअब्जॉर्ब करेंगे और उसकी जगह पे एच आयंस हाइड्रोजन निकालते जाएंगे इन टू द यूरिन बाई एडजस्टिंग द
अमाउंट रीअब्जॉर्ब एंड सिक्रीट द बैलेंस, इस तरह पीएच क्या होती है, बैलेंस हो जाती है। अकर्स इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, सी ओ टू कम्बाइन विद एच टू ओ एट टी ओ सी ओ थ्री बनाता है, वो फिर एच सी ओ थ्री में कन्वर्ट और एक हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट हो जाता है। एच जो है वो निकलता रहता है, एच सी ओ थ्री अब्जॉर्ब होता रहता है, और एच सी ओ थ्री के अब्जॉर्ब होने से जो अंदर उसके और बायकार्ब जो और पी एच डिस्टर्बेंस होती है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। तो सिंपली हम क्या कहेंगे कि बायकार्ब अब्जॉर्ब होते हैं और हाइड्रोजन निकल जाते हैं। और ये आपकी है क्लासिफिकेशन एसिडोसिस और एल्केलोसिस। एसिडोसिस कब होगा, जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे यानी कि पीएच कम होगी, और एल्केलोसिस कब होगा, जब पीएच ज़्यादा होगी यानी कि आपके हाइड्रोजन आयन कम होंगे। ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहन में रखना है, बाकी सारे मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे आपको। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, रिस्पायरेटरी का जिक्र है तो मतलब CO2 और एच का मसला आ रहा है, हाइड्रोजन आयन्स बढ़ रहे हैं और CO2 इकट्ठी होती जा रही है। वही बात ही ना कि रिस्पायरेटरी है, कार्बन बाहर निकलने की बजाय अंदर इकट्ठी होती जा रही है, ठीक है, और एच जो है वो बढ़ता जा रहा है, यही चीज़ लिखी है। इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 बढ़ती जा रही है और एच इकट्ठा होता जा रहा है, तो दोनों मिलके क्या करेंगे, एच सी ओ थ्री ज़्यादा बनाना शुरू कर देंगे। और ये किसमें होता है, जब पेशेंट एम्फाइसीमा हो, उसके लंग्स उसके लंग्स जो हैं वो स्टिक्टोस्टिफ हो चुके हों, एस्थमा हो, उसको परमानेंट काफ़ी अर्से से क्रॉनिक एस्थमा चल रहा हो, उसको नमूनिया हो, तो रिस्पायरेटरी का वर्ड आया। रिस्पायरेटरी मीन्स सी ओ टू बढ़ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, और एसिडोसिस मीन्स कि एच आयंस इकट्ठे हो, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, आपके सी ओ थ्री बना रहे हैं। एल्केलोसिस का क्या मतलब है, एच आयंस निकल रहे हैं, तो जब एच आयंस निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने साथ बॉन्ड किसके साथ बना रहे होंगे, सी ओ टू, जब एच आयंस निकलेंगे तो उसके साथ एच सी ओ थ्री भी कम होने लग जाएगी। तो वो कब होता है, जब कोई अचानक ट्रॉमा हो, एंजाइटी हो, पेशेंट जोर जोर से सांस ले रहा हो, हाइपरवेंटिलेट कर रहा हो, या बहुत ऊंचाई एल्टीट्यूड इंक्रीज, रिस्पायरेशन लो एल्टीट्यूड की तरफ हो, सॉरी ऊंचाई में हाई एल्टीट्यूड होता है मतलब डीप इन द सीज डाइव, या फिर आपके पास ऑक्सीजन लेवल कम हो। अब एसिडोसिस अगेन, एच आयंस बढ़े हैं और मेटाबॉलिक का मतलब क्या है कि एच सी ओ थ्री में कोई मसला आ रहा है, और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस मतलब एच आयंस कम हो रहे हैं, पीएच बढ़ रही है, तो हाई अमाउंट्स ऑफ एच आयंस देयरफॉर इंक्रीज्ड एसिडिटी, नो ड्यूरिया। और मेटाबॉलिक में रिस्पायरेटरी कंडीशन नहीं होती, देयर इज सम रीनल कंडीशन, अकर्स इन कीटो एसिडोसिस, उसको डायबिटीज है, या फिर उसको सर्टेन किडनी डिजीज है, या उसको स्टेज फोर जो है वो डायरिया। सिम्टम्स क्या होंगे, पैल्पिटेशन, एब्डोमिनल पेन, मसल वीकनेस और कॉस्मल्स ब्रीथिंग। कॉस्मल्स ब्रीथिंग मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसी होती है। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है, इसमें एच आयंस मतलब लो हो रहे हैं और पीएच बढ़ रही है, और ये भी रिस्पायरेटरी नहीं है, इसकी कंडीशन अगेन क्या है, इसके पास किडनी है, वॉमिटिंग है बहुत ज़्यादा, एल्केलिन बहुत ज़्यादा इंजेस्ट कर ली है, किसी ने सुसाइड अटैम्प्ट की है। ए सिम्प्टोमेटिक एब्डोमिनल सेंसेशन, टैकीकार्डिया, टैटनी, टैटनी आपने देखना हाथ पांव मुड़ जाते हैं, और उसकी जो है न्यूरल जो उसकी वर्टिब्रा है वहाँ पे भी उनको एक डिस्टर्बेंस होती है। रिस्पायरेटरी कंपनसेशन, इंक्रीज और डिक्रीज ब्रीदिंग रेट टू हेल्प बैलेंस पीएच लेवल अकॉर्डिंगली। रिस्पायरेटरी कंपनसेशन में क्या होगा, उसकी जो सांस है वो अप डाउन होगी, ये हम साइन सिम्टम्स में आगे देखेंगे। ये इंटरप्रिटेशन जो मैंने आपको पीछे सारी बातें बताई, अब आपने ये ध्यान से देखना है, एसिडोसिस का मतलब एच आयंस बढ़ रहे हैं और पीएच कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, 7.35 से कम हो रही है, और रिस्पायरेटरी की बात ही तो उसके अब सी ओ टू लेवल बढ़ रहा है। एल्केलोसिस में क्या है, एच आयंस कम हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसके सी ओ टू भी कम होगी, कितनी कम होगी, 34.5 से कम होगी, क्योंकि 35 से 45 नॉर्मल है। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में क्या है, 45 से इंक्रीज होगी, और रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस में CO2 कितनी होगी, 35 से कम होगी। मेटाबॉलिक में क्या है, अगेन एसिडोसिस है तो पीएच कम है, एल्केलोसिस है तो ज़्यादा है। अब इसमें CO2 पे चेंजेस नहीं आ रही, चेंजेस किस में आ रही हैं, एच सी ओ थ्री पे, जब उसके एच आयंस कम होंगे ऑटोमेटिकली उसकी एच सी ओ थ्री कम होगी, जब उसके एच आयंस ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी एच सी ओ थ्री ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ आपको बताई, कितनी ज़्यादा, 22 to 26, 22 से कम है तो उसके बायकार्ब्स कम हो रहे हैं, 26 से ज़्यादा है तो उसके बायकार्ब ज़्यादा हो रहे हैं, 22 से कम है तो एसिडोसिस में जा रहा है मेटाबॉलिक, और अगर 26 से ज़्यादा है तो एल्केलोसिस। ये इसकी रीजंस देखी हैं कि एसिडोसिस कब होता है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में, ड्रग्स लिए हों, या सी एन एस ट्रॉमा और सी ओ पी डी वगैरह। एल्केलोसिस इमोशनल पेन्स में होता है, मतलब आपको एकदम इमोशनल अटैक कोई हो। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब हो रहा है, डायबिटीज और रीनल में, और एल्केलोसिस सोडियम बाइकार्ब ओवरडोज हो गया।
ये आपके कुछ साइन सिम्टम्स हैं फॉर्मली जो होते हैं रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस में और एसिडोसिस में। हाइपोवेंटिलेट करता है पेशेंट को, ब्रेन पूरी वो नहीं पहुंच पा रही होती तो वो शैलो ब्रीदिंग करता है, रुक रुक के हल्का सांस, जैसे आपने क्लिनिकली बहुत देखे होंगे तेज होंगे लेकिन उसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं होगी, उसका बीपी कम होने लग जाता है, उसको डिज़निया होने लग जाता है, एसओबी मतलब सांस का प्रॉब्लम, सर दर्द, उसका पोटाशियम लेवल बढ़ने लग जाते हैं, पोटाशियम लेवल की वजह से उसका डिसरिदमिया, दिल की धड़कन अब नॉर्मल होने लग जाती है, CO2 ज़्यादा लंग्स में रह रहा है इस वजह से हो रहा है और एसिडोसिस हो रहा है, ड्रेजीनेस और ये आपने जो सारा कुछ पढ़ा है, स्टिमुलस रिस्पायरेटरी स्टिमुलस कम हो रहा है, और ये वाली कंडीशंस उस वक्त भी आ सकती हैं जब एनेस्थीजिया पेशेंट का सही ना हो। इसी तरह एल्कलोसिस में क्या होगा, कन्फ्यूज होगा, वॉमिटिंग ज़्यादा होगी, टैकीकार्डिया होगा, बीपी कम। और अच्छा एक चीज़ आपने देखनी है कि आपके एसिडोसिस में हाइपरकलेमिया हो रहा है और आपके एल्कलोसिस में हाइपोकलेमिया, पोटेशियम लेवल्स कम हो रहे हैं। रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस क्या है, इज द एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस है, क्यों होती है, जब CO2 लेवल में चेंजेस आती हैं। चेंजेस क्या आती हैं, देर इज एक्सेस CO2, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब नॉर्मल मैं सांस ले रही हूँ तो आपको आवाज़ नहीं आ रही है, तो क्या हो रहा है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी चाहिए उतनी निकल रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है एल्केलोसिस में कि उसकी 45 निकलनी चाहिए, 35 तक निकलनी चाहिए एटलीस्ट, लेकिन उससे ज़्यादा आउट हो रही है, 30-25 की तरफ जा रहा है, तो पेशेंट हाइपरवेंटिलेट, जोर जोर से सांस लेता है, लेबर ब्रीथ करता है कि मेरी कार्बन डाइऑक्साइड मुझे वापस मिल जाए, तो हाइपोकैपनिया डिवेलप्स होता है जिसकी वजह से उसको वेंटिलेटरी प्रॉब्लम होती है, और सम कंडीशन में पेशेंट वेंट पे हमें डालना पड़ जाता है, ETT पास करनी पड़ जाती है, कि पेशेंट बहुत ज़्यादा गैस्पिंग कंडीशन में आ रहा है, पेशेंट जो है वो लेबर ब्रीथ कर रहा है, तो उसको कंपनसेशन जो हो रही है करनी पड़ेगी। इसकी कॉजेज़ क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अब हम वो थी रिस्पायरेटरी की, अब हम आते हैं मेटाबॉलिक की तरफ। मेटाबॉलिक की रीजंस क्या हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले ली है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लग गया है पेशेंट के अंदर, मतलब काफ़ी अर्से से उसने खाना नहीं खाया तो उसकी जो है ग्लूकोज कम हो रहा है, तो लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन ज़्यादा हो गई है, किटोसिस हो रही है, और वही स्टार्वेशन जो मैंने कहा था काफ़ी टाइम से भूख है, तो लैक्टिक एसिड जो है ब्रेक डाउन हो रही है, वो कॉम्युलेट होता जा रहा है। मेटाबॉलिक में क्या होता है, उल्टी बहुत ज़्यादा आती है, बेस बहुत ज़्यादा ले लिया है, एंटासिड्स मीन जो लोग मतलब स्टमक का इशू रहता है, तो उसने एक सिरप में 2-3 चम्मच के बार बार ले रहा है कि मेरी बदहजमी ठीक हो जाए, इंडाइजेशन ठीक हो, लेकिन एंटासिड ज़्यादा हो गया, तो तब उसको ये कंडीशन डेवलप हो सकती है या फिर कॉन्स्टिपेशन में। और ये उसके कुछ साइंस में डिफरेंस है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस में। एसिडोसिस रिस्पायरेटरी में क्या इन्वॉल्व होगा, आपके कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द बॉडी प्रोड्यूस एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ एसिड और व्हेन द किडनी आर नॉट रिमूविंग इनफ एसिड। किडनी कुछ भी नहीं कर रही है लेकिन सिर्फ रिस्पायरेटरी कर रहा है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि किडनी, लंग्स इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे, किडनी कर रही है। मेन फैक्टर क्या है इसमें, लैक्टिक एसिड और कीटोन बॉडीज, और इसमें क्या है मेन फैक्टर, आपके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड डिजोल्व हो रहे हैं, पीएच कम होगी, इसमें पीएच ज़्यादा होगी, ये शॉर्ट टाइम के लिए, और मेन रीज़न फॉर एसिड बेस इम्बैलेंस इन द बॉडी होता है। ये जो साइन सिम्टम हमने अभी पीछे पढ़े, एल्कलोसिस कब होगा, जब 7.45 से ज़्यादा होगी, एसिडोसिस कब होगा, जब कम, और जब मेटाबॉलिक की बात है तो SCO3 कम होगा, और जब एल्कलोसिस की बात है तो HCO3 ज़्यादा होगा। और फिर आप ट्रीटमेंट क्या करोगे, ब्रोंकोडायलेटर्स दोगे कि पहले वो सांस अच्छे से ले, लेबर ब्रीथ ना करे वो पेशेंट, फिर एंटेगोनिस्ट दोगे अगर दिल की धड़कन तेज़ हो रही है तो आप उसको रोकोगे, मिरोल वगैरह दोगे कि बस वहाँ पे एंटेगोनिस्ट आएगा और वो उसकी हार्ट रेट को कम करेगा, रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट दोगे, थायफिलीन दोगे ताकि उसको जो है रिस्पायरेटरी एफर्ट कम करनी पड़े, डायूरेटिक्स दोगे कि अगर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया, अब पोटाशियम ज़्यादा हो गया तो वो निकलना शुरू करे, L6 पोटाशियम कम करते हैं ना, तो डायूरेटिक्स दोगे आप लोग, और रिस्पायरेटरी ड्राइव को इंक्रीज करने के लिए आप उसको मेट्रोक्सी प्रेजिस्टोन थेरेपी दोगे, और उसके अलावा ऑक्सीजन और देन वेंट सपोर्ट दोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर द लेक्चर, जिसमें आज हमने पढ़ा कि एसिड बेस क्या होता है, एसिड बेस में कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, उसमें आपने बफर पढ़ा, बफर के आगे 3 टाइप्स थी, फॉस्फेट, हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपने रिस्पायरेटरी पढ़ा, फिर रीनल मैकेनिज्म पढ़ा कैसे कैसे काम करते हैं, उसके बाद इनके टाइप्स पढ़ी, इनके साइंस सिम्टम्स पढ़े, फिर आपने ABGs को इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो पढ़ा, और उसके बाद फिर आपने मेटाबॉलिक की काजेस पढ़ी, फिर उसके साइंस सिम्टम पढ़े और उसको मैनेज कैसे करना है, आपने फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पढ़ी। सो दिस वाज ऑल ओवर द कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस क्या है, एल्कलोसिस क्या है, और ये आपके लिए एक छोटी सी समरी है कि आपको याद हो जाए, अगर ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस लेक्चर पे, ये थोड़ा सा जो है आपका टाइम कंज्यूमिंग है, और होप सो आपको समझ आई हो, और गुड गुड लक, थैंक यू।